नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। कई सवालों से शुरुआत होती है ज्ञान बापी मस्जिद विवाद की। चलिए आज आपको पूरी कहानी से वाकिफ कराते हैं कि आखिर ये विवाद कहां से शुरू हुआ और क्या है दोनों पक्षों के दावे। पर उससे पहले, अगर आपने अब तक लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि इस तरीके के जानकारी भरे वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञान बापी मस्जिद और वहीं स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है विश्वेश्वर या विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। इसे दुनिया के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ज्ञान बापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। दावा किया जाता है कि जिस जगह ज्ञान बापी मस्जिद है वहां पहले विश्वेश्वर का मंदिर हुआ करता था और श्रृंगार गौरी की पूजा भी की जाती थी। ये भी माना गया कि मुगल शासकों ने इस मंदिर को तोड़कर इस पर कब्जा कर लिया था। वहीं इस पर मस्जिद कमेटी का कहना है कि देश में 1991 में सेंट्रल रिलीजियस वर्कशिप एक्ट बना था, जिसके तहत अयोध्या के विवादित परिसर को छोड़कर देश के बाकी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, उसी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। इस एक्ट के मुताबिक अगर किसी अदालत में कोई मामला पेंडिंग भी होता है तो उसमें भी 15 अगस्त 1947 की स्थिति के मालिकाना हक को मानते हुए ही फैसला सुनाया जाए। चूंकि यहाँ पर आजादी से पहले से नमाज पढ़ी जा रही है, इसलिए इस पर 1991 के कानून के तहत कोई फैसला करने की मनाही है। ये तो थे दोनों पक्षों के दावे। चलिए आपको बताते हैं कि ज्ञान बापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर पहली बार कब केस हुआ। ज्ञान बापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। याचिका में ज्ञान बापी में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे इस मामले के याचिकाकर्ता थे। 1991 में ही केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट बनाया था। इस कानून के मुताबिक आजादी के बाद ऐतिहासिक और पौराणिक स्थानों को उनकी जैसी स्थिति है उसमें बरकरार रखने का विधान है। मस्जिद कमेटी ने इसी कानून का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे की याचिका को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 1993 में विवादित जगह को लेकर स्टे लगा दिया था और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद स्टे के आदेश की वैधता को लेकर 2019 को वाराणसी कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और फिर 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा दर्शन की मांग करते हुए अदालत में फिर से याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटी के अनुसार अपने धर्म को मानने का अधिकार भंग हो गया है। कई तारीखों के बाद आखिरकार इस साल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की मंजूरी वाराणसी की अदालत ने दी। श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के बारे में पता लगाने के लिए 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया। 26 अप्रैल को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा किया था। दावा था कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। इसके बाद 5 वादी महिलाओं में से 4 ने इसी साल में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का ASI सर्वेक्षण कराया जाए। इसी पर जिला जज
एके विश्वेश ने अपना फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। एके विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। विश्वेश की अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक जांच कराने की मांग से संबंधित मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 21 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको पता है काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर भी कई बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। राजा टोडरमल ने 1585 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 18 अप्रैल 1969 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके बाद मंदिर गिराकर इसकी जगह मस्जिद बना दी गई। मस्जिद के निर्माण में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण शुरू कराया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।